झारखंड के सुदूर इलाकों के रहने वाले ग्रामीणों के लिए शहर तक शिक्षा रोजगार व्यवसाय के लिए निशुल्क आवागमन बस परिचालन का आज शुरुआत हुआ। इसका जायजा लिया रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर ने। सरकार के द्वारा ग्रामीणों के लिए आवागमन के लिए ग्रामीण बस सेवा का जो आज है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है चंपाई सोरेन जो है उद्घाटन करेंगे, उसके साथ साथ जो है अगुआ आवास का भी है, जो अगुआ आवास जो है ये भी आज लोगों को जो रांची के लोगों को जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए ये जो देने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि दिखाएं, ये वही बसें हैं जो मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी झारखंड सरकार के द्वारा आज ओपनिंग किया जाएगा और ग्रामीणों को आवागमन के लिए जो सुविधा किया जा रहा है वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो है छोटी और बड़े बसें भी है, इसके अलावा कुछ छोटी गाड़ी का भी है जो जैसे देख सकते हैं टाटा मैजिक जो है इस तरीके से जो है आज धरातल पे झारखंड सरकार ला रही है ताकि जो ग्रामीण को जो दिक्कतें होती है आवागमन की है वो लगातार होते रही है। और आप दिखा सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री का जो शुभारंभ है ये सिमडेगा से जो है सिमडेगा जो क्षेत्र है वहाँ से ग्रामीणों के लिए जो है ये चलाई जाएगी बस सेवा। वहीं पे माननीय मंत्री जो है चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे। दीपक हजूरवा जो है माननीय मंत्री जनजाति एवं पिछड़ी वर्ग कल्याण परिवहन विभाग झारखंड के द्वारा ये जो संचालित किया जा रहा है, इस तरीके की योजनाएं कहीं न कहीं साफ तौर से है कि ग्रामीणों को एक जो आवागमन का जो सामना करना पड़ता था या जो दिक्कतें हैं वो कहीं न कहीं खास तौर से स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए जो है वो उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है इस तरीके की योजना या इस तरीके से बस संचालन से। अपने सहयोगी लक्ष्य के साथ संगठन को